सो एरा ओरिजिनल पिक्चर जो एक्चुअली मैं खींचा था रॉ पिक्चर है, एंड दिस इज़ अ फाइनल एडिट ऑफ दिस पिक्चर। सो टुडे आई एक्चुअली एडिट सम स्ट्रीट फॉर ए वीडियो। सो मैं मेरा एप्लीकेशन स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आ गया, एंड सॉरी अबाउट दिस, बाहर से जो साउंड आ रहा है इसके वजह से आप सॉरी एंड सो सॉरी। सो ओपन ऑप्शन में गया एंड वेट फॉर ऑप्शन एंड लास्ट गैलरी, एंड जहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन मतलब फेवरेट पिक्चर चूज़ करके रखा है वहाँ पर आ गया। एंड मैंने एक पिक्चर खींचा था बहुत टाइम पहले, वो एक्चुअली लकीली आ गया था। मैं स्ट्रीट फोटो के लिए निकला था एंड मेरा हाथ में मोबाइल था, एंड चलते चलते ऐसा ही मोबाइल को घुमा के उल्टी करके मैंने एक पिक्चर खींचा था जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। सो वहाँ पर एक टैक्सी का टैक्सी आधा मतलब रुक जाऊँ मैं पिक्चर देखाता हूँ, इट्स सो कूल आया था। सो सॉरी अबाउट दिस, मुझे बहुत टाइम पहले का पिक्चर है एरा। सो एरा पिक्चर यू सी दिस, सॉरी लाइट लो था, यू सी दिस, दिस इज एक्चुअली टैक्सी एंड दिस इज एक्चुअली ऑटो रिक्शा, एंड उसका जो शेडो आया लाइट आया एंड बैकग्राउंड इज नॉट सो मच लाइट इज कूल आया था। मुझे भी नहीं पता था कैसे वो आ गया। सो ट्राई टू एडिट दिस पिक्चर। सो फर्स्ट हम लोग जाएंगे ए पेंसिल वाला ऑप्शन में, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा लाइट दूंगा क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। ट्यून इमेज, उसके बाद ट्यून इमेज का फर्स्ट ऑप्शन ब्राइटनेस, सो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस देंगे 7। उसके बाद आ गया एम्बेंस, थोड़ा बहुत देंगे, ऐसे ही लग रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन में आ जाएंगे एवर, जस्ट आई एम चेकिंग दिस, यू सी माइनस एंड प्लस, प्लस इज ओके लग रहा है, मैं इसको जीरो कर दूंगा, नेक्स्ट ऑप्शन में ऐसे ही काम करूँगा। सो ए ओके हो गया। सो मैं यहाँ पर आ गया ए वाला ऑप्शन में, एडिट स्टॉक क्लिक, व्यू डिटेल्स, सॉरी व्यू एडिट्स, यहाँ पर आके एरो ऑप्शन में क्लिक करके ब्रश में, ब्रश में जाकर क्या करूँगा मैं इस इमेज को छोटा कर देंगे, देखा, एंड बिल्कुल नीचे से मैं लेफ्ट से राइट तक लेकर जाऊँगा। अब देखोगे रेड शेडो आ जाएगा, आ गया ना। इसका मतलब यह है मैं नीचे की तरफ 100% जो लाइट ब्राइट 100% रहेगा, उसके बाद उसका जो क्या बोलूँ एक देखो नीचे की तरफ 100% रह रहा है मतलब रेड कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ उतना जे नहीं आ रहा है। सो ये काम करता है लाइक, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। सो ओके हो गया, अभी फ़र्क नहीं पता चलेगा, बाद में चलेगा। सो आई यूज़ अगेन माई लाइट, सो कार्व 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 ऑप्शन में गया था कार्व्स, उसके बाद ए साइकिल वाला ऑप्शन, उसके बाद RGB वहाँ पर आ गया। यहाँ पर देख लो राइट साइड में एक लाइन है, ये देखो लाइट ज़्यादा कम हो रहा है। सो इसको मैं ध्यान से थोड़ा बहुत दूंगा, इतना मुझे चाहिए, ये सही लग रहा है। एंड लास्ट ल्यूमेंस, इसको भी थोड़ा बहुत देंगे, इतना चाहिए, ये सही लग रहा है। ओके आपको पता है कहाँ पर जाएंगे, एडिट स्टॉक व्यू एडिट्स, उसके बाद कार्प्स का जो ब्रश ऑप्शन है उसके अंदर आ गए। सेम थिंग करेंगे, इसका छोटे कर लेंगे, एंड देखो अभी थोड़ा छोटा, ये सही लग रहा है, यस इज बेटर। सो लाइट बहुत ज़्यादा हो गया कभी, सो मुझे 50% करके यहाँ पर लाइट ड्रैग करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइट, एंड टैक्सी के यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, मुझे यहाँ पर उतना ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। सो आई थिंक और भी लो होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, यस आई थिंक सो आ गया, चेक इट्स लुक लाइक ओके। सो अब क्या करना है, फिर वो पेंसिल वाले ऑप्शन, ट्यून इमेज, ट्यून इमेज का लास्ट जो ऑप्शन वहाँ पर रह गए, एंड इसको माइनस प्लस प्लस से लग रहा है शेडो के मतलब वाटर रिफ्लेक्शन के लिए। सो मैं
जस्ट ए प्लस वाला ऑप्शन ले रहा हूँ ओनली वाटर रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पर वाटर में देख रहे हो ना ये जो शेडो आया, सो यहाँ पर देखो रेड कलर में 100% कर दिया। इसका जो शेडो है मतलब वाटर में, सिर्फ उसका ही मैं ये कलर दूंगा, लाइटली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इट्स ओके। मुझे लगता है छोड़ गया, नहीं ठीक ठाक है। सो क्लास में गया, सो वापस आके पेंसिल वाला ऑप्शन ट्यून इमेज एंड सेम थिंग लास्ट वाला ऑप्शन में, अब माइनस में देखेंगे ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं देख रहा हूँ पीछे वाले बिल्डिंग को, ठीक है ये सही लग रहा है। सो बिल्डिंग को कलर करना है अभी, सो 100 हो गया। इसको जूम करेंगे एंड ट्राई टू ध्यान से करना, ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो वाइट शेडो आ जाएगा, तो वाइट शेडो से आपका जो इमेज है वो बहुत बैड लगता है भाई। मुझे पहले तो पता नहीं चलता था लेकिन बाद में मैंने देखा वो एक्चुअली प्रॉब्लम आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है आपका एक अच्छा पिक्चर को भी। यू नो व्हाट, सो रुक जाओ एक सेकंड, आई एम क्लोज ऑफ एंड हियर, ओके आई थिंक सो एंड हो गया, ओके एंड उसके बाद जाएंगे पेंसिल बल ऑप्शन, सेम थिंग एंड कलरफुल। प्लस 7 इज गुड, बट टैक्सी का जो येलो कलर इज सो बहुत ज़्यादा हो गया, सो ऐसे ही लग रहा है, मैं बाद में देखता हूँ उसको। एंड मुझे जाना है फिर से ए वाला ऑप्शन में, ग्रे फिल्म्स, उसके बाद इसको 0 एंड 50%। उसके बाद आई एक्चुअली फाइंड दिस बट आई डोंट नो, आई थिंक B01 इज़ परफेक्ट फॉर दिस पिक्चर, सो आई एम एक्चुअली -36, ओके -36 इज बेटर देन +38। आई सोचने दो भाई, +27 इज बेटर आई थिंक सो। यहाँ पर माइनस का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा थिंग है आप जब राइट से लेफ्ट तक उस ऑप्शन को लेके जा रहे हो, सो वहाँ पर क्या होता है वो लाइट का जो डिफरेंट मतलब कलर आता है वो एक्चुअली गायब हो जाता है। जब वो प्लस की तरफ मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हो वहाँ पर वो कलरफुल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मैं इसको ऐसा कर लूँगा, जस्ट ऊपर से दूँगा थोड़ा बहुत ऐसे करके एंड नीचे से थोड़ा सा ऐसे करके। मुझे टैक्सी के ऊपर कोई कलर नहीं चाहिए, टैक्सी के ऊपर कलर दोगे तो बहुत ज़्यादा येलो आ जाएगा एंड इसका जो असली जो कलर वो एक्चुअली यू नो व्हाट जस्ट गिर जाएगा एंड पिक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। सो सॉरी, ओह नो आई हेट दिस प्रॉब्लम, कभी कभी होता है, आई थिंक सो इट्स ओके ओके इट्स लुक लाइक ओके, बट फ्रेम चाहिए, सो आई एम ट्राई टू क्रॉप दिस पिक्चर एंड सी दिस व्हिच फ्रेम इज एक्चुअली गुड। ओके लिटिल बिट दिस वे, कैन आई डाउन दिस, नो डाउन इज नॉट वर्क, जस्ट अप लिटिल बिट एंड क्लोज लिटिल बिट इट्स बेटर, बट आई डोंट लाइक, मैं अभी करप नहीं करूँगा, करप करेंगे तो असली पिक्चर घट जाएगा। सो फाइनल मैं फाइनल इसको एडिट करने के बाद उसको करप कर दूंगा। सो फाइन अनदर कलर, यहाँ पर देखते हैं, ओह सॉरी मैं गलत ऑप्शन में आ गया, पेंसिल के बाद ग्रेन फिल्म, इसको 0 करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन का 50% लेंगे, फाइन दिस जो ग्लास का जो कलर है टैक्सी का उसका मैं सही करने के, ये सही लग रहा है, 50% इज़ बेटर। Edit stack, view edits, click and brush, 100% use, and try this. This is look like better. Sorry, background sound is so bad. It's look like better. I think so. It's okay. Okay,
नाउ आई थिंक बैकग्राउंड में जो पीपल है, जो आदमी मतलब बहुत सारे लोग हैं, सो आई थिंक थोड़ा बहुत इसको कलर ज़्यादा कर देंगे, एंड बैकग्राउंड में जो है उसका कलर में काम करना चाहिए 100% है। जूम करेंगे यहाँ पर जो ग्रीन शार्ड है इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, येलो, ग्रीन मास्क, ब्लू टाइप कुछ पोस्टर है, ओके, एंड यहाँ पर कुछ है, एंड इस तरफ ए ब्लू जैकेट एंड ग्रीन कुछ है यहाँ पर, ओके, सो आई थिंक इट्स ओके। सो अभी क्या करना है, जस्ट बैक एंड जो डिटेल्स मैंने यहाँ पर लेकर आ रहा था, डिटेल्स को थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्योंकि वाटर में डिटेल्स वी सी दिस डिटेल्स बाबल टाइप का कुछ आ रहा है, सो आई एम ट्राई टू डाउन डिटेल्स इन वाटर, बट ध्यान से मतलब जो एक्चुअली सब्जेक्ट है उसके ऊपर ना चला जाए, जस्ट सिंपली डू दिस, ओके, दिस इज ओके। आई थिंक इट्स नॉट एनफ गुड, बट आई एम ट्राई माई बेस्ट, एंड ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, सो एरा ओरिजिनल पिक्चर जो एक्चुअली मैं खींचा था रॉ पिक्चर है, एंड दिस इज़ अ फाइनल एडिट ऑफ दिस पिक्चर, सो मैं इसको फास्ट क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको जाकर मैं एक फ्रेम सेट करूँगा क्रॉप करके पिक्चर, एंड उसके बाद मैं उसको एक फ्रेम में दे दूँगा, सो नाउ ट्राई टू लिटिल बिट दिस वे, इट्स ओके दिस फ्रेम, एंड इसको यहाँ पर देखो फ्रेम्स जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा, इट्स लुक अमेजिंग। मैं इसको खींचा था जस्ट लाइक चलते चलते स्ट्रीट फोटो भी कर रहा था एंड क्लिक दिस पिक्चर, बट मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा पिक्चर आ जाएगा, आई एम जस्ट क्रॉस द रोड एंड क्लिक दिस पिक्चर, सो सेव दिस इमेज, ओनली सेव बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट ए गुड क्वालिटी इमेज, मैं लेना नहीं चाहता, जस्ट शो द पीपल दिस इज एक्चुअली इमेज मैंने खींचा है, जो एक्चुअली फाइनल इमेज आपके पास रहेगा, जो एक्चुअली रॉ इमेज आपके पास रहना चाहिए, वो एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट करके। सो ये वीडियो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आज कोई वीडियो करने का टाइम नहीं मिला है, सो आई एम ट्राई टू मेक दिस वीडियो एडिट वीडियो, इट इज स्नैपशीट का पिक्चर एडिट वीडियो, एंड एक व्यूअर ने बोला था पिक्चर एडिट वीडियो लेकर आओ, सो आई एम ट्राई टू डू दिस एंड शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ आई एडिट दिस, दिस इज सिंपल टाइप एडिट योर इमेज, एंड क्या बोलूँ, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टाटा, बाय बाय।